खबर नवी मुंबई से है, जहां यातायात के नए नियमों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के परिवहन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यातायात के नए नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन को 1 दिसंबर से इसे लागू करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं नवी मुंबई के परिवहन अधिकारी गजानन गावड़े ने बताया कि 1 दिसंबर से यातायात नियम तोड़ने वाले कुल 857 वाहन चालकों पर कार्रवाई कर 38,50,000 रुपए जुर्माना वसूला गया है। दिसंबर 2021 से महाराष्ट्र शासन ने नए नियम और नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम में दम का जो है वो भारी पैमाने पे बढ़ोतरी हुई है। उसके रिलेटेड हमने 1 दिसंबर से ऑटो रिक्शा पे कार्रवाई करना शुरू किया। उसमें से 148 ऑटो रिक्शा पे हमने कार्रवाई किया, जिसमें 12,48,000 रुपये हमने दम वसूल किया है। वहीं पाम बीच रोड रहे या हाईवे रहे, इस पे बहुत ज़्यादा स्पीड से वाहन चालक गाड़ी चलाते हैं, उसके रिलेटेड हमने 609 वाहनों पे कार्रवाई की है। उसका 6,09,000 के आसपास हमने जो फाइन है वो वसूल किया है। पिछले 3 महीने के पहले हमको इंटरसेप्टर व्हीकल शासन ने प्रोवाइड किया है, उसमें सारी सुविधा है, स्पीड गन से लेके ब्रीथ एनालाइजर लेकर सब सुविधा उपलब्ध है। उससे रिलेटेड हमने ये कार्रवाई की है। उसी तरह जो कुछ ओवरलोड वाहन चलते हैं उस पर भी हमने कार्रवाई की है, उसमें करीबन हमने 10,19,000 का जो फाइन है वो भी वसूल किया है। जो 2 व्हीलर के राइडर है उनको जो हेलमेट बिना हेलमेट पहने चलते हैं उन पर हमने कार्रवाई करने करीबन 100 के आसपास 15 दिन में विदाउट हेलमेट के जो राइडर है उनको पकड़ा है और उनका करीबन 50,000 के आसपास हमने फाइन वसूल किया।